स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 3 ऑफ योर बुक, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स. आपको पता ही होगा, आपने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा है. दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी यू नीड सम कलर्ड पेपर्स, अ फेविकोल, अ सीजर, अ स्केल एंड अ मार्कर. सो सबसे पहले हमने कलर्ड पेपर पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और उसके हमने ये एंगल्स ड्रॉ किए विद द हेल्प ऑफ कंपास. सो ट्रायंगल इज़ हैविंग 3 एंगल्स. अब हम क्या करेंगे, एक सीजर लेकर इन तीनों एंगल्स को कट करेंगे लाइक दिस. यहाँ से दिस इज़ द फर्स्ट एंगल, इसको हमने कट कर लिया. इसको अपने पास संभाल के रखना है पीस को. देन सेकेंड एंगल, एंड द थर्ड एंगल वी विल कट इट लाइक दिस. सो वी हैव गॉट दिस 3 पीसेस ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. नाउ वी विल पेस्ट दिस 3 पीसेस ऑन दिस शीट and we will see that you will get a straight line when we will paste these pieces on the sheet. So with the help of a fevicol, apply the fevicol on these pieces. इस तरह से फेविकोल लगाएंगे and then यहाँ पर इसको paste करेंगे हम. One by one we will paste these pieces. And the third piece will go like this. So now you can see, students, what we will get. We will get a straight line here. When we will paste it on a straight line, we will get an angle of 180 degree. This angle is 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C of a triangle, जब हमने इसको add किया तो इसका जो सम आया दैट इज़ 180 डिग्री. सिमिलरली वी विल कट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट हैज़ 4 एंगल्स. वी विल मार्क इट लाइक दिस, ए बी सी एंड डी. नाउ विद द हेल्प ऑफ सीजर वी विल कट दीज एंगल्स लाइक दिस. This is your angle B. This is your angle A. And this is angle D. And fourth one, angle C. Now similarly, as we have done for the triangle, we will do similarly with the angles of quadrilateral. इसको आप उल्टा कर लेंगे and then apply some fevicol on this. Like this, we will apply some fevicol. और अब इन angles को भी हम उसी तरह से, जिस तरह हमने ट्रायंगल्स के एंगल्स को साथ साथ रखा था, इनको भी हम साथ साथ रखेंगे और हम चेक करेंगे कि इनको ऐड करके कितना डिग्री का एंगल बनता है. सो स्टूडेंट्स, वी विल प्लेस दीज स्ट्रिप्स लाइक दिस. दिस इज फर्स्ट एंगल, एंड देन दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, this is angle C, angle A, angle B, angle C. इस तरह से हमने इनको साथ साथ रखा एंड द लास्ट वन इज एंगल D. वाओ, व्हाट विल वी गेट, वी गॉट अ सर्कल. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ द सर्कल, एंगल ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री.
So here we got angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. And for triangle, we got angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree.